देखिए भाई, हेल्थ साइकोलॉजी इट्स कंसर्न विद द हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम, वेलबींग और बेसिकली द स्ट्रेस के, स्ट्रेस को किस तरह से कूप किया जाए। कूप के माने होते हैं कंट्रोल करना, काबू करना। तो हम यहाँ देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या कुछ है। तो हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन में मेंशन है, 7.6 स्ट्रेस एंड कूपिंग है, मगर हम साथ में कुछ मेंटल इलनेस और वेलबींग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ वी प्रमोट इट। तो हम देखते हैं बुक में, रॉबर्ट फेल्टमैन की बुक है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। उसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को समझाया गया है, और स्ट्रेस की जो डेफिनेशन दी है आपके सामने, मैं उसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं। यस, कि स्ट्रेस बेसिकली क्या है। स्ट्रेस बेसिकली अ पर्सन रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट आर थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। व्हाट डज इट मीन, कि वो ऑब्स्टिकल्स, वो बैरियर जो हमारे आगे रुकावट होते हैं, हमारे चैलेंजिंग होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, कोई काम पूरा करना चाह रहे हैं वो नहीं है। वो लिखा हुआ है ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज दैट आई फेल्ट हेल्पलेस, है ना, हेल्पलेस, लग रहा है कोई है ही नहीं मदद करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। यानी स्ट्रेस का मतलब होता है खिंचाव, ये मेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं रहता, इसका असर फिर हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, और फिर उसका असर हमारे बिहेवियर पे भी नज़र आता है, हमारी सोच पे भी नज़र आता है। तो पहले तो हमने स्ट्रेस देखा, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि एग्जाम्स की डेडलाइन सबसे बड़ा स्ट्रेस है, टेस्ट होने वाले हैं, क्विज होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, फैमिली प्रॉब्लम, घर में मसाइल, मसले मसाइल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टू टू में ठीक ठीक परेशानियाँ, कोई खुश नहीं है, ऑनगोइंग थ्रेट, बाहर चोरी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, दुनिया तबाह हो रही है, जंग हो रही है, जंग हो रही है, जंग हो रही है, जंग हो रही है, हर वक्त शायद मैं स्कूल का प्रोग्राम सुना तो उसमें जंग ही हो रही होगी, दुनिया खत्म होने वाली है, कोरोना आ गया, कोरोना लूट लेगा दुनिया, खत्म हो जाएगी, इस तरह की लाइफ इज फुल ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर एक नहीं पता नहीं कितने स्ट्रेसोर होते हैं। स्ट्रेसोर का मतलब क्या होता है, दोज इवेंट, दोज सिचुएशन दैट गिव यू स्ट्रेस। तो जिसको, जो स्ट्रेस देने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावट है, उनको नाम दिया गया बुक में स्ट्रेसोर। तो ये हमारी जो वेलबींग है उससे, हमारे जो प्लेजेंट एक मूड एंड बिहेवियर है उसको खराब कर देता है। ठीक है, आपने कहा मैं एक बड़ी जबरदस्त पार्टी प्लान करूंगा मगर वो हो नहीं पा रही। आपने कहा मैं इतना टारगेट अचीव कर दूंगा मगर वो अचीव नहीं हो पा रहा। आपने कहा मैं इतना कवर कर लूंगा एग्जाम मगर नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए वो रुकावटें क्यों आती हैं, क्यों वो बैरियर आते हैं साइकोलॉजिकली। तो हमने तो पहले तो देखा कि स्ट्रेस क्या है, ठीक है। अब लेकिन फिर एक और बात है, जैसे दांत तो अच्छे ही होते हैं वैसे कि स्ट्रेस भी अच्छा होता है। जब तक आपको स्ट्रेस ना दिया जाए एग्जाम में, इसको कहते हैं यू स्ट्रेस, ई यू के मायने होते हैं गुड। तो समवन से दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर यू, जब तक आपको प्रेशर ना दिया जाता है पढ़ते कहाँ हैं, इसी तरीके से लाइफ में जब तक कोई स्ट्रेस नहीं आता तो हम हिलते कहाँ हैं काम करने के लिए। तो ये चैलेंज होते हैं जिसको ओवरकम करते हैं। और देखो, लाइफ और डेथ दोनों एक दूसरे का एक सिरा है, एक सिरे पे अगर लाइफ है तो उसके दूसरे एंड पर डेथ है। तो जैसे जैसे हम डेथ को डिफीट करते हैं वैसे हमारी लाइफ आ जाती है, और जैसे जैसे हम लाइफ को सरेंडर करते हैं वैसे हम डेथ के करीब आ जाते हैं। सक्सेस और फेलियर को भी देखो तो एक एंड पे फेलियर है तो दूसरी एंड पे सक्सेस है। जैसे जैसे हम फेलियर को डिफीट करते हैं और तो सक्सेस होते चले जाते हैं ना। तो ये खैर, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब इस सब में हम देखते हैं बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव इवेंट भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इवेंट भी होते हैं। लेकिन लाइफ में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं वो किस तरह के हैं। एक तो बुक में मेंशन किए हैं, कुछ कैटेगराइज किए हैं स्ट्रेसोर को, तो उन्होंने एक तो टाइप ऑफ स्ट्रेसोर बताया, कैटाक्लास्मिक इवेंट, एक पर्सनल स्ट्रेसोर और एक बैकग्राउंड स्ट्रेसोर। अच्छा, कैटाक्लिक जो इवेंट है ये क्या है, ये बेसिकली पीपल जो है वो कहते हैं कि कोई प्लेन क्रैश हो जाए, कोई अर्थक्वेक डिजास्टर आ जाए, जैसे कि अभी वो पेंडेमिक आया हुआ है आजकल, तो
इसमें थाउजेंड ऑफ पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। ये नेचुरल डिजास्टर है। अब इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोगों को कहीं जलजला आ जाए, तबाही हो जाए, वहाँ तो सुबह का वो इवेंट याद होगा आपको, जलजला आया कश्मीर में, पूरी नीलम वैली तबाह हो गई, इस तरह के पूरी दुनिया में चाइना में बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक डिजास्टर आया था, तो बारिश कराची में भी तो पानी हुई, तो उसके नतीजे में इतना बड़ा एक ट्रामा हुआ। तो ये जो स्ट्रेस क्या है जो किसी एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से आए और उसको वो ओवरकम नहीं कर पाया, वो वर्स से वर्स कंडीशन हो गई, तो वो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है। टेरिस अटैक हो रहे हैं दुनिया में, जगह जगह बम फटते जा रहे हैं, इधर धमाका इधर धमाका उधर धमाका, 9/11 का वाक्य हुआ तो उससे दुनिया टेरिफाई हो गया, फिर बॉम्बिंग हो गई शुरू, ठीक है। तो ये सारे ये कौन से इवेंट हैं, एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, नेचुरल डिजास्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं। अच्छा, दूसरे स्ट्रेस होते हैं वो है पर्सनल। अब पर्सनल स्ट्रेसों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी के लाइफ इवेंट्स हैं, जैसे कि डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ द की फैमिली, इमीडिएट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जिसके नेचुरली फेड विद द टाइम, और वक्त के साथ साथ ही, वक्त एक मरहम है, वक्त के साथ ही किसी अपने का अगर आप खोएंगे, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार की अगर आपकी डेथ होगी होती है तो उसका हम तो फौरी नहीं जाएगा, वो फिर एक टाइम ले, उस पूरे अरसे में आप एक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं लाइफ के इवेंट के अंदर, चाहे वो उसमें मेंशन किया हुआ उन्होंने कि कोई पेरेंट की डेथ हो, स्पाउस की हो, किसी फैमिली रिलेटेड की हो, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब करियर आप लूज कर जाए, बहुत बड़ा बिजनेस कोलैप्स कर जाए, ज़िंदगी में फेल कर हो जाए आप, एग्जाम में फेल, पर्सनल स्ट्रेस हो रही है, ठीक है। कि लिखा भाई हुआ समथिंग फॉर सच इज गेटिंग मैरिड, ये भी एक स्ट्रेस होने से जिसके जिसका इमीडिएट रिएक्शन आता है, ठीक है। और फिर उसको आप प्रूव कैसे करेंगे वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन हमने ये दो कैटेगराइज किया, पहले हमने एक नेचुरल डिजास्टर बताया, कुछ हमने पर्सनल इवेंट बताया। तीसरा है PTSD, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या है, ये क्या है, इतना समझते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब मिसाल के तौर पर कश्मीर की वादी में एक जंग सी चल रही है और लोग कब से सालों से जो है वो उसमें वो लोग मर जाते हैं, फाइटर होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, तो अब उसका नतीजा क्या है, वो एक असर रसूख लोगों के जहनों पर रह जाता है। अफगान वॉर में, ईरान वॉर में इतनी जब बॉम्बिंग हुई, या फिर वजीरिस्तान में और सवात में उससे पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग रही और उसका हमला और इतने सारे ऑपरेशन और सब कुछ, तो उसका असर वहाँ के लोगों पर काफ़ी देर तक रहा। या हम लोग कराची शहर के रहने पड़ने वाले तो खिड़कियों से गोलियाँ फायर होते हुए देखी हैं, गोली लाशें देखी और हड़तालें देखी, बदमाशियाँ देखी, चमाटे देखे, छप्पड़ देखे, लूट मार देखी, छिया झपटी देखी, तो उसका एक ये एक ट्रामा एक असर रह जाता है, वो फ्लैशबैक मेमोरीज है। जब वहाँ कोई खैरा हादसा हो जाए जिसका असर जो है वो आपके ख्वाब, आपके दिमाग, आपके में रह जाए, तो अगर कहीं बहुत बड़ा जलजला आता है तो वो तो चलो कुछ सालों में उस जगह को दोबारा से बना देंगे, लेकिन वो जो खानदान, वो फैमिली, वो जो पूरा एक ट्रामा है, वो उसकी यादें लोगों के जहन में बैठ जाती हैं, जो उनको तंग करती हैं। किसी के कार एक्सीडेंट में लोग चले जाएँ तो वो एक वाकया उनके जहन में नष्ट हो जाता है, जहन नशीन हो जाता है। तो ये जो फ्लैशबैक्स हैं, ये जो माजी के जो फ्लैशबैक्स हैं, जो ये जीन्स हैं, ये जब जब आते हैं तो वो एकदम से आपको तंग कर देते हैं, आप उदास में डूब जाते हैं। तो ये इन्होंने एग्जांपल हमने देखी यहाँ पे, तो उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि हम दरख्त लगा देंगे, हम पेड़ पौधे दोबारा उगा देंगे, हम जगह को बेहतर कर देंगे, लेकिन जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, वो जो उनके जहनों पर असर होगा, उसका क्या, कहीं अगर जंग हो जाती है तो जमीन की तबाहियाँ जो हैं वो तो चलो ठीक है, बाद में हमको रिहेबिलेट करेंगे, लेकिन इंसान को कैसे रिहेबिलेट करेंगे, उसका तो एक बहुत गहरा असर रहता है। अब एक आ जाता है बैकग्राउंड स्ट्रेस, ये PT2 ये शायद ऐसे ही कि तस्वीर अगर होती तो इससे भी बुरी होती, क्योंकि एक बड़ी तमीज से लाइन लगी है यहाँ पे कार्स की, तो आपने देखा होगा बिलावल जब लोग हॉर्न पे हाथ रखे ही बैठे रह जाते हैं और सब में हॉर्न का मुकाबला होता है कि कौन कौन कितना ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा,
और अभी इसमें तो रिक्शा तीन चीज और बाइक नजर नहीं आ रही इस पिक्चर के अंदर। ये एक कराची है वो होती तो वो भी नजर आती है। ये बेसिकली हेजेस है, ये बैकग्राउंड स्ट्रेसर है। आप कैसे कैसे होगा स्ट्रेस, सुबह आते वक्त भी फील कर रहे हैं, जाते वक्त भी फील कर रहे हैं, आपकी अभी शोर शराबा चल रहा है इतना कुछ, तो वो असर रखता है आपकी मेमोरी के अंदर। हर वक्त आप ट्रैफिक जाना, आप पूरी लाइफ में आप हर वक्त लेट हो रहे हैं, जिसको देखो वो लेट हो रहा है किसी आगे जाने के लिए, हर कोई लेट है। लेट होते होते फिर हम लेट ही हो जाते हैं, हमारे नाम के आगे ही लेट कर जाता है ना। तो क्यों, क्योंकि वो लेट ही इसी वजह से हुआ है, हमेशा हेजल्स हैं, ट्रैफिक जाम्स हैं, स्ट्राइक हैं, रोड चेंज है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, मिट्टी धूल है, वो सब आधे लोगों को डस्ट एलर्जी, आधे लोगों के फेफड़े खराब हो रहे, आधे लोगों को टीवी बीमारी हुई है। तो ये जो हेजल्स हैं ये हमारे लिए स्ट्रेसोर्स का डेली रोजमर्रा के हेजल्स है ना। रोजाना आप वादा करते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, फिर आखिर लम्हे में उठते हैं और फिर भागे दौड़े जा रहे होते हैं, और फिर नाश्ता मिस हो जाता है, और फिर सब कुछ तो ऑफिस जाने के लिए हो और फिर घर में ही होना हो, तो आप फिर ऐड करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं कि सुबह उठ के फिर बहुत सारा पढ़ना है और कल इतने चैप्टर्स पढ़ लेंगे, और फिर वही सोने पड़ेगा और 12-1-2 बजे से पहले आप भी हो ले, फिर रात को जल्दी सो जाएंगे, फिर 3 बजे तक नेटफ्लिक्स चल रहा है, डाउनलोड मूवीज हो रही है। ये जो बार बार रोजाना की जो आपको हेजल्स हैं, वो जो आंखें लाल चूर हो गई हैं जाग जाग के, वो जो सर दर्द कान जो है वो भर गए यूट्यूब हैंड फ्री लगा के कान सुन सुन के, तो वो फिर आपको एक जो ना एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, आप वेलबींग नहीं रहते, आप हेल्थ एंड फिटनेस को कैरी नहीं करते। तो खैर ये तो हमने देखा कि आखिर उसमें क्या हुआ, ये जो हेजेस हैं इसको अपलिफ्ट, हमें उससे अपलिफ्ट होना पड़ता है। अब देखिए एक आपके सामने जो है वो स्ट्रेस हो और एक आप, तो स्ट्रेस को आपको पाँव के तले रोंदना होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस ने आपको पाँव के तले रोंद दिया तो यू विल बी किल्ड। तो बैकग्राउंड स्ट्रेस हो तो समझ आ ही गया, डेली हेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब स्ट्रेस की कॉज क्या देनी पड़ती है, देखिए ना सुना होगा आपने एंगजाइटी का शिकार हो गया हूँ मैं बहुत डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ, मुझे मैं बहुत डिप्रेस। अभी क्या है एंगजाइटी डिप्रेशन, एंगजाइटी एनशियस कहते हैं फिक्र को, फिक्रमंद हूँ मैं, बहुत ज़्यादा घबरी घबरी सा हूँ, परेशान परेशान सा हूँ, इन मेंटल कॉन्शियसनेस जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर है, ये एक साइकोलॉजिकल। फिर डिप्रेशन उसका असर डिप्रेस मोड में, मोड होता है ना जो बिहेवियर, वो मोड ही आपका मूड अटैक किया, चेहरे पे ही डिप्रेशन, ऐसे जैसे कोई आपकी कोई कुल्फी लेके भाग गया है, आपका मूड ही उदासी सा है, हंस भी रहे तो जबरदस्ती के, तो ये आपका जो मूड एंड बिहेवियर है वो ही आपका जो है वो डिप्रेसिव मोड में रहते 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 5 साल तक रहते रहें, 10 साल तक रहते रहें, 15 साल तक रहते रहें, तो आपका तो मूड ही परमानेंटली डिप्रेसिव हो जाएगा ना, एंगजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट बन के रह जाएंगे। फिर कहा होंगे जिससे आपको मिले तो कुछ भी नहीं, बस वो जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको चॉक कर दें और आपको वो मैसेज न्यूरॉन्स के जरिए ट्रांसफर ना हो, ताकि वो याद ना आए कि आपको क्या क्या मसले अटके हुए हैं आपके। तो ये जो एंगजाइटी डिप्रेशन है इसका असर जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल ही नहीं होता बल्कि उसका बायोलॉजिकल भी होता है, इसको मैंने नाम दिया था फिजियोलॉजिकल। क्या होता है, जो आपका सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का स्टमक आउट हो जाता है, किसी को माइग्रेन पेन शुरू हो जाता है, किसी को नाक बहना शुरू हो जाता है, फ्लू हो जाता है, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां की लोगों का जैसे हार्ट अटैक तक लोग स्ट्रेस से हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्यूमर हो जाता है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, बहुत सारे किसी को कुछ मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, स्प्लिट अप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उनको हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंगजाइटी और डिप्रेशन, कुछ तो एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं वो। तो खैर पॉइंट इज दैट कि अगर हम रोजमर्रा के हेजल्स को देखें तो वो क्या क्या है, जरा जरा एक को लिस्ट करते हैं, और इनसे अगर कोई आप भी शेयर करना चाहें तो आप मेंशन करिएगा। एक तो लिखा हुआ है इसमें जैसे कि रोजमर्रा सबसे ज्यादा मसला जो एक होता है वो किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई लेट हो रहा है, मैंने कहा कहाँ ना हर कोई लेट हो रहा है, और वो इतना लेट हो रहा है कि वो उसके नाम के आगे लेट हो जाता है एक दिन, तो जिससे पूछो वो लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जाने के लिए लेट है वो, तो 24 आवर्स भी हमें कम लगते हैं, इतने काम होते हैं करने को, टू मैनी थिंग्स टू डू, और हर दिन अंडा है, जब हम रात को बैठते हैं देखते हैं तो पता लगता है कि जो आज हमने टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें कुछ भी पूरा नहीं है, बाकी पता नहीं कहाँ जिंदगी गुजार के आते हैं। इसी तरीके से ट्रबल थॉट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए पड़े होते हैं, 6 महीने में ये, 4 महीने में ये, 1 साल में ये, 2020 में क्या क्या सोचा था, लेकिन 2020 तो जिंदगी से ही माइनस हो गया, 1 साल ही जिंदगी का कम हो गया बगैर कुछ किए, बल्कि जो कुछ किया
किया था वो भी चार कदम नीचे जाना पड़ गया। तो ये हमें ट्रबल हो जाती है, टू मेनी इंटरप्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा बैरियर आते हैं। आप सोचते हैं आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, अगले दिन खाला के लोग आ गए, अगले दिन आपको मामू के जाना पड़ गया, अगले दिन आपको एक दावत आ गई, अगले दिन आपकी बेजी चली गई, अगले दिन आपके घर में पानी आना बंद हो गया, अगले दिन जो है वो आपके दोस्त ने आपको मुफ्त से खाने पे बुला लिया, वो जो छोड़ नहीं सकते, किसी की सडन डेथ हो गई, तो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ के अंदर इस तरह के बड़े हेजेस आते हैं, बड़े आप प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर एक बहुत सारी अनसर्टेन फैक्ट्स भी तो है ना जो अनकंट्रोलेबल है, वो इंटरप्ट हो जाते हैं, उसको कैसे ओवरकम करें, बहुत सारी दफ़ा डिले करना पड़ता है, कभी रोकना पड़ता है, तो अंडन रहता है। अब ये जहन में हमेशा तारी रहता है कि यार ये तो काम पूरा ही नहीं, ये तो काम अधूरा रह गया, मिसप्लेसिंग और लूजिंग थिंग्स, चीज़ें खो जाना हर वक्त, आधी ज़िंदगी तो लोगों की चीज़ें ढूंढने में ही निकल जाती है, रख के कुछ भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, जो है वो फॉरगेट फुलनेस की बीमारी समझने एक तरह से। दूसरी बात, हेल्थ ऑफ द फैमिली मेम्बर या आपके करीबी लोगों की अगर हेल्थ का मसला है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, परेशान हैं, तो ये फिक्र रहती है हर वक्त उनकी केयर करना, या आपकी खुद की अगर हेल्थ अगर हमेशा तंग करती है, कुछ लोगों को बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, अल्लाह सबको से ज़िंदगी दे, लेकिन अगर कुछ लोग अपनी सेहत ज़िंदगी से लड़े होते हैं, तो वो उसके साथ ज़िंदगी के भी मसाइल हैं, गोल ड्रीम ऑब्जेक्टिव ये वो, लेकिन साथ में ज़िंदगी भी है, हेल्थ भी है, उससे भी लड़ना है, और वो भी पर्पज़ भी है उनकी ज़िंदगी के, तो ये हेजेस होते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन, समाज की जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, तो वो आपके कांधों में है, भाई अपना भी खर्चा, दूसरे का भी खर्चा, आपके आपका साथ जो पेट जुड़ा है उसकी जिम्मेदारी, तो आपके साथ मुंसलिक जो वाबस्ता लोग हैं उनका पेट, तो उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माशरे की जिम्मेदारियाँ, मजहबी जो है वो कुछ नेकियाँ बटोरना, ये सारी जिम्मेदारियों अब आप बैलेंस कैसे करें, इसलिए रोजाना की हेजेस में आपके उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, किस किस से कमिट किए हैं, जो कोई देखो तुम अपना वादा पूरा नहीं करते, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम अच्छी जोड़ नहीं हो, तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम अच्छे शागिर्द नहीं हो, तुम अच्छे शहरी नहीं हो, अब आप हर जगह अच्छे होने के लिए जाहिर सी बात है उनके कमिटमेंट को फुलफिल करोगे और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करोगे, लेकिन सारी ड्यूटी फुलफिल कभी नहीं कर पाते, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती हैं, डिले हो जाती हैं, लेकिन जहाँ डिले हो जाती हैं वहीं आपको ये जूझना पड़ता है कि भाई ये तो आप बेकार हैं, आप तो किसी काम के ही नहीं, क्या आपने तो अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके से पूरा ही नहीं किया, आपने मुल्क की कोई फरीजा पूरा नहीं किया, आपने मजहबी फरीजा को पूरा नहीं किया, आपने अपने माशरती घरेलू फरज़ को पूरा नहीं किया, आप ऑफिस में बहुत अच्छे हैं, या आपने पर्सनली लाइफ को प्रेफर किया तो ऑफिस वाले एरिया से गए, घर पे रहने, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने, तो ये सारे हेजेस को बैलेंस करते करते बहुत सारे स्ट्रेस को झेलना पड़ता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, आप अच्छी खासी घर में खा रहे हैं, पेट भर के मजे के खाने खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपने अपने फ़ोन उठाया, उसको स्क्रॉल किया, तो वहाँ पे किसी ने पिज़्ज़ा की पिक्चर डाली, उसमें अपना सूजी शूजी डाला हुआ है, आपके दिल में वो स्टेज डाला हुआ है, अब आपको देखा आपने कहा अरे गरीब लोग, हमने तो घर में पका के खाया, और ये देखो इन्होंने तो, क्या हम सूजी शूजी नहीं खा सकते, क्या हम जो है वो स्टेक नहीं खा सकते, क्या हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले तो ये बहुत खुशहाल था, प्रेजेंट था, हंसी खुशी घर में खा रहा था, लेकिन जैसे ही वो स्क्रॉल किया उसने देखा उसने कंपेयर किया स्टैंडर्ड्स, उसने कहा ये कोई क्या सुकून से अपनी गाड़ी में आ रहा जा रहा था, जैसे ही उसने किसी अपने दोस्त की गाड़ी पे पिक्चर्स के साथ खींची, उसने पैर के नीचे लेट गए गाड़ी के साथ सी लाली, और आपने कहा यार उसकी गाड़ी देखो मेरी गाड़ी देखो, क्या हम क्या इतने गरीब हैं, तो ये जो स्ट्रेस है इस तरह की, जो कंपैरिजन और कंपटीशन, आपको तो पता कंपटीशन चल रहा है हमारे खानदानों में, घरों में, लोगों में, तो अच्छे वाला खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जैसे इधर उधर जाते हैं तो कहते हैं भाई उनकी गाड़ी आ गई तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं, ठीक है भाई उनकी गाड़ी आ गई तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं, उसके पास भी कपड़े तो मेरे पास भी कपड़े क्यों नहीं, तो ये जो इस कशमकश में जो हम दौड़ लगा रहे होते हैं स्टैंडर्ड जो सोसाइटी के मीटअप करने के लिए, तो वो जो है क्या कुछ पैसे क्रिएट हो, कंसर्न अबाउट गेटिंग अहेड, आगे निकलना है, बहुत दूर तक जाना है, आसमानों को छू लेना है, बादलों को की भाव कर लेना है, दीवारों से आगे गुजर जाना है, तो ये जो कभी कभार ऐसे एक्सपेक्टेशन ड्रीम होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉबी फाइली किस्म के लिए होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो आइसोलेशन में ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी काम भी जुड़ गए हैं आपके,
कभी कभार उठा एटलस श्रग, तो कभी कभार कांधों से जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो बोझ तले झुक जाते हैं, उनको झटकनी भी पड़ती है। तो खैर ये हमने सारी देखे, देखा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमने देखी वो नॉट इनफ टाइम है और सबसे कम टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब क्या है, इस परेशानी से उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपलिफ्ट होना पड़ेगा। ये जुमला मुझे बहुत पसंद है, ये मैं बहुत दफा यूज करता हूँ जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ। अपलिफ्ट, अपलिफ्ट बहुत अच्छी लाइन है। अपलिफ्ट, हमें अपलिफ्ट होना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा इन मसलों से। और मैंने जैसे कहा कि हम ऊंचे होंगे और स्ट्रेस छोटा होगा तो हम स्ट्रेस को कुचल के लात मारते हुए निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम ही लेट गए, स्ट्रेस हमारे आगे नजर उठा के दिए गए, तो वो हमें लात मार के आगे कुचल जाएगा और हम फिकर बने होंगे, किसी कब्र में लेटे पड़े होंगे। तो पहला तो हम क्या करें, रिलेटिव वेल्थ विद स्पाउस और लवर, फैमिली टर्म रिलेशन ये बहुत जरूरी है ताकि हमें एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बाहर निकले और एक मेंटल रिलैक्सेशन मिले। रिलेटेड वेल विद द फ्रेंड्स, हमारे पास सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स, फैमिली सपोर्ट, जो हमें एक मॉरल सपोर्ट दे ताकि हम अपने, देखें दोस्तों को मसला बताने से, घर वालों को मसला सुनाने से, बीवी बच्चों के मसले सुनने और सुनाने से मसले शायद हल बाद में होंगे, हल हो ही ना कभी, लेकिन कम से कम बाहर तो आ जाते हैं, वो अंदर से आपको एंजाइटी और डिप्रेसिव मूड में तो नहीं लेके आते। तो हम लोग तो खैर माशाल्लाह से सब लोग फैमिली सिस्टम के अंदर जुड़े हैं, लेकिन वेस्ट के अंदर ये आइसोलेशन का मामला, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनपीडी और स्किज़ोफ्रेनिक और ऑब्सेसिव, बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। उसके नतीजे में अगर उनकी यहाँ मेंटल थेरेपी होती है, एक सेशन रखे जाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को बिठा के सब एक दूसरे की बात शेयर करते हैं उनसे, क्योंकि वहाँ वो सुनने वाला नहीं, हमारे यहाँ तो सुनने वाले भी बहुत हैं और सुनाने वाले भी माशाल्लाह से बहुत हैं। तो हम लोग तो बातें करते रहते हैं, सब एक दूसरे को बताते रहते हैं, बल्कि घर के अलावा भी घर के बाहर लोगों को भी घर की सारी बातें बताते थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ फिर एंजाइटी स्ट्रेस जो है वो उस हद तक तो नहीं कि वो फिर पिल तक मामला चला जाए और वो एडिक्शन तक चला जाए, और वो वहाँ तो मामला ही कुछ और है कि वो फिर अपने उस कॉन्शियस लेवल को स्टॉप करने के लिए वो बहुत सारे ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा अपलिफ्ट करने का तरीका है कि आप अपने काम को पूरा करें। सबसे ज्यादा स्ट्रेस तभी होता है ना जब वर्क अंडन होता है, तो आप लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, रिमाइंडर बनाएं, डिले करें, लेकिन काम को पूरा करें। इसके लिए एक अच्छी किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मेक वन थिंग, टाइटल बुक का नाम ही वन थिंग है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको बताया गया है किस तरह से आप वन फोकस करके, अब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाते, तो आप एक काम को फोकस करें उसको कंप्लीट करें, तो दूसरे काम को फोकस करें तो उसको कंप्लीट करें। तो इसमें जब आप कंप्लीशन वर्क करेंगे, ठीक, अब रात भर आप अधूरा काम छोड़ के सो जाएंगे तो ना नींद आने वाली है, अधूरा रहेगा, नींद में भी बार बार ख्याल आते रहेंगे कि काम करना है, काम अधूरा है, जल्दी उठने से बेहतर ये कि काम कंप्लीट करके अगर आप सोते हैं तो एक चैन सुकून की नींद आप करेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट इसमें मेंशन है कि गेटिंग इनफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, और बीच बीच में नैप लेने के बजाय आप एक कंस्ट्रक्टिवली प्रॉपर देंगे तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आधा जो मसला है ना भूलने का वो तो यही हल हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। अब लोग रातों भर जाग रहे हैं, बेडमैन बने हुए हैं, कैटमैन बने हुए हैं, उल्लू बने हुए हैं, सालों से मैं कहूँ तो मैं, जो रात को जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, तो वो फिर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ से, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ईटिंग आउट, आउटिंग करना, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करना, जिससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिले। मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, विजिटिंग फोन और राइटिंग संबंध, तो ये भी बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना जुलना, किसी से फोन करना, बात करके ताकि अपनी दिल की आवाज़, या कुछ अच्छा सा लिख लेना, डायरी लिख लेना, कोई नॉवल लिख लेना, कुछ पेपर लिख लेना, या कुछ नहीं तो चलनाएं एक्सप्रेस करती, तो ये भी बहुत जरूरी है, इससे आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, जो कि हमारे यहाँ तो पॉसिबल है, ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आपके साथ सारा टाइम फैमिली के साथ है उनको, तो जो लोग ऑफिशियल वर्क हैं उनके लिए ये बात है, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, बल्कि वो कुछ तो कह रहे हैं, तो फैमिली के लिए कभी तो घर से चला जाए करो, सारा दिन गर्मी पड़े रहते, तो वो उनके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी बात हो रही है। होम इनसाइड प्लीजिंग टू यू, ठीक है, इंडोर आउटडोर गेम खेलना ये भी बहुत जरूरी होता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम इस हेल्थ को निकल सकते हैं। अच्छा जी, अब
एक ये देखें, ये एक टॉपिक है, फर्स्ट आई हैव टू बी आस्क, पहले तो मैं जरा